हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 25 जुलाई शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के एग्जाम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आए, पेपर कैसा था और कट ऑफ और रॉ स्कोर आप सभी को बताने वाला हूँ। क्या एक्सपर्ट्स ने अपना रिव्यू दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। देख सकते हो जुलाई 25 शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के डिफिकल्टी लेवल चेक करने वाले हैं। कट ऑफ स्कोर और रो स्कोर की बात की जाए तो स्टूडेंट्स का कहना है कि जो आपका पेपर था, आज का पेपर, वो मॉडरेटली इजी था। मतलब ओवरऑल पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में था। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि आप अगर एक सब्जेक्ट की बात करो, टोटल 100 है, तो उसमें इजीली 50 से 55 स्कोर हो रहे थे। एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया कि 150 से लेकर 225 तक के बीच में है। यानी कि क्वेश्चंस इजी थे, क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे थे, बच्चों का ये कहना था। और एवरेज एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर 150 से 225 के बीच में है। शिफ्ट वन की पेपर की बात करें तो पेपर आपका मॉडरेटली डिफिकल्ट लेवल का था। पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो उसमें सारे टॉपिक्स को कवर किया गया। अब देखते हैं डिफिकल्टी लेवल सब्जेक्ट वाइज। मैथमेटिक्स आपका डिफिकल्ट था, लेंदी था, कैलकुलेटिव था। और फिजिक्स और केमिस्ट्री से कंपेयर किया जाए तो मैथमेटिक्स आपका डिफिकल्ट था, फिजिक्स आपका मॉडरेट था। और यहाँ पे सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन कवर किए गए हैं, ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। केमिस्ट्री आपका इजी था, केमिस्ट्री बैलेंस था, और फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे चैप्टर से क्वेश्चन थे। ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे गए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिटजी के एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दी है शिफ्ट वन एग्जामिनेशन को लेकर। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल का बताया और फिजिक्स आपका इजी था इन तीनों सेक्शन में। यहाँ पे देख सकते हो मैथमेटिक्स मॉडरेट लेवल का था, सारे चैप्टर्स को कवर किया गया। न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो लेंदी थे और कैलकुलेटिव थे। ज़्यादातर क्वेश्चन यानी कि एक से अधिक क्वेश्चन यानी कि दो या फिर तीन क्वेश्चन आपके पूछे गए कॉनिक सेक्शन और प्रोबेबिलिटी से। स्टूडेंट्स का मानना था कि ये टफ था, मतलब कि जो कॉनिक सेक्शन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे वो टफ थे। फिजिक्स आपका इजी था और यहाँ पे आपके काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्लूइड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एसी सर्किट से क्वेश्चन पूछे गए। लगभग सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे गए। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन था वो इजी था यानी कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन इजी था। कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मॉडर्न फिजिक्स से कुछ अधिक क्वेश्चन पूछे गए यानी कि एक से अधिक क्वेश्चन पूछे गए। केमिस्ट्री आपका मॉडरेट लेवल का था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एनसीईआरटी बेस्ड था। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिकल्स से भी क्वेश्चन थे, एक से अधिक क्वेश्चन थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया था। और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से थे। शिफ्ट टू की बात करें तो यहाँ पे भी स्टूडेंट का रिएक्शन आया है। केमिस्ट्री आपका जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में था और केमिस्ट्री आपका एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा गया था, क्वेश्चंस वहां से पूछे गए थे। फिजिक्स आपका मॉडरेट लेवल का था, काइनेमेटिक्स और सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा और भी टॉपिक्स को कवर किया गया है। मैथमेटिक्स आपका मॉडरेट लेवल का डिफिकल्टी लेवल था और स्टूडेंट का ये कहना था कि जो ये सेशन है इसमें क्वेश्चंस इजी थे मार्च सेशन की तुलना में या फिर प्रीवियस ईयर की तुलना में। प्रीवियस ईयर या फिर कह लो फरवरी और मार्च में जो आपके एग्जामिनेशन हुए उससे काफ़ी ज़्यादा मैथ्स इजी था। तो बस इतना ही, ये पूरा अपडेट था पेपर एनालिसिस का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो भी महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं, जो भी अफेक्टेड हैं बारिश के कारण, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो जो भी बच्चे 25 जुलाई को या फिर 27 जुलाई को एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे महाराष्ट्र के एग्जामिनेशन सेंटर में, जेई मेन का एग्जामिनेशन, उनके लिए एग्जामिनेशन को रिशेड्यूल किया जाएगा यानी कि नए एग्जामिनेशन के डेट्स के अनाउंसमेंट करेंगे। आप यहां पर देख सकते हो जो हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है। साथ में आप देख सकते हो कुछ और आर्टिकल्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो भी लोग रेन से अफेक्टेड हैं महाराष्ट्र में उनको एक और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो इसमें किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा एग्जामिनेशन देने का मौका दिया जाएगा। इनका ट्विटर पे भी ट्वीट किया गया है। साथ में जो एनटीए है उन्होंने भी अपने वेबसाइट पे एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया था। कोई भी पैनिक करने की कोई बात नहीं है, आपका एग्जामिनेशन फिर से लिया जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी 7 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, रेन बारिश तो हुई है, साथ में लैंडस्लाइड भी हुए हैं। कोल्हापुर, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, संगली और सतारा, इन सभी जगह पे जो भी टेस्ट सेंटर्स हैं, जो बच्चे एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो ये अपडेट था धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @PallamAsoFilms। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। और मैं ऐड करना चाहूंगा, रैंकर्स आप सभी के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इधर बैंकिंग एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, SSC एग्जाम, डिफेंस, JEE मेंस, टीचिंग एग्जाम, दिल्ली पुलिस या IB एग्जाम, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इनका टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। देखो, JEE मेंस 2022 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे, IIT JEE मेंस टेस्ट सीरीज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो JEE मेंस इन एडवांस 2021 टेस्ट सीरीज है और वैलिड रहेगा आपका 2022 तक, अंटिल फरवरी तक के लिए वैलिड होगा। लेकिन देखो, इसका डेट भी बढ़ सकता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे टेस्ट के लिए ₹2000 बोला जाएगा पे करने के लिए, लेकिन आपको इतना पे मत करना है, नहीं करना है पे। सिंपली कोड यूज़ करो PAF और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे, आपको ₹1500 में ये टेस्ट सीरीज परचेज होगा, मतलब ₹500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस या फिर SSC एग्जाम, तो सिंपली जैसे कि जूनियर इंजीनियर, SSC CGL CHSL, तो सिंपली बाय नाउ पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखाएगा आपको नया वेब पेज। यहाँ पे देख सकते हो ₹299 में टेस्ट सीरीज परचेस करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन इतना पे मत करना। सिंपली कोड यूज़ करो PF10 और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आपको ₹49 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो दोनों टेस्ट सीरीज मैंने बताया, मतलब बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज जरूर से परचेस करो। इनका मोबाइल ऐप भी है रैंकर्स के नाम से, जिसका लिंक और कोड का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तो सिंपली मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट, आपको अकाउंट खोलने के लिए कहा जाएगा। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से। तो ये सिंपल सा स्टेप्स है। इसके अलावा इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है और साथ में सपोर्ट भी है, ईमेल सपोर्ट भी है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। एक बार जरूर से चेक कर देना है, आपको उम्मीद है आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।